टीम, आज हम सीखेंगे कि लारावेल के अंदर फॉर्म और एचटीएमएल कंपोनेंट्स कैसे यूज करते हैं और इनका क्या रोल है। लारावेल में एचटीएमएल कंपोनेंट्स को यूज करने के लिए हम लोगों को लारावेल कलेक्टिव इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये रिक्वायर कंपोनेंट है। इसको इंस्टॉल करने के लिए कंपोजर को यूज करेंगे और इसके लिए कमांड जो यूज कंपोजर रिक्वायर लारावेल कलेक्टिव। तो हम अपने सीएमडी में जाएंगे, सीएमडी ओपन करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट। सबसे पहले तो हम अपनी डायरेक्टरी में जाएंगे जहां पर हमारे प्रोजेक्ट पड़े हैं। सारे के सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो वैम्प 64 www के फोल्डर में पड़े हैं। तो सीडी / सीडी वैम्प 64 चेंज डायरेक्टरी www जहां सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हैं हमारे, और चेंज डायरेक्टरी हमारे प्रोजेक्ट का नाम हेलो लारावेल, सॉरी सीडी लारावेल लारावेल हेलो, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। अब हम अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में जब आ जाएंगे तो यहाँ पर हम अपनी जो कमांड है वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी हम लोगों को HTML कलेक्टिव रिक्वायर्ड है, उसकी कमांड है कंपोजर। तो हम कमांड देंगे कंपोजर मुझे रिक्वायर है लारावेल लारावेल कलेक्टिव HTML इंस्टॉल कर दो। तो ये इंटरनेट से डाउनलोड होगा, इट विल टेक सम टाइम। तो जब तक ये डाउनलोड होगा तब तक हम ये करेंगे कि हम इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे। इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें दो फाइलों में चेंज करना पड़ेगा। पहली जो फाइल है, बल्कि एक फाइल में चेंज करना पड़ेगा, दो जगह पे एक प्रोवाइडर ऐड करना पड़ेगा, एक एलियस ऐड करना पड़ेगा। तो उसको ऐड करने के लिए हम लोग जाएंगे अपने रूट डायरेक्टरी के अंदर मौजूद फोल्डर कन्फिग के अंदर app.php फाइल, app.php की जो फाइल है इसके अंदर हम चेंज करेंगे। तो हम अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं, प्रोजेक्ट इस फोल्डर में पड़ा हुआ है हमारा, हमने लारावेल हेलो का प्रोजेक्ट यूज करने से ओपन कर लेते हैं व्यू स्टूडियो कोड में। तो हमने अपना एक तो प्रोवाइडर ऐड करना है और दूसरा हमने एलियस ऐड करना है। हमने अपने जाना है कॉन्फ़िग के फोल्डर के अंदर, कॉन्फ़िग के फोल्डर के अंदर एक फाइल मौजूद है app.php, ये आपने ओपन कर लेनी है। और इसके अंदर मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिया है, ये देखिए आपने, आपको एक प्रोवाइडर नज़र आ रहा होगा, ये प्रोवाइडर, ठीक है। इसके अंदर आपने अपना HTML कलेक्टिव ऐड कर लेना है। जब आपका कंपोजर इंस्टॉलेशन कंप्लीट का मैसेज दे देगा तो आपने ये वाली लाइन ऐड करनी है, एक तो प्रोवाइडर के अंदर कलेक्टिव HTML HTML सर्विस प्रोवाइडर पास, और दूसरा उसका एलियस ऐड करना है दो फॉर्म का और HTML का, वो भी एट द एंड एलियस के अंदर ऐड कर देना है। ये लाइंस आपको इंटरनेट से भी मिल सकती हैं, अगर आपको याद नहीं रहती तो आप जाएं और सर्च करें लारावेल कलेक्टिव ऐड प्रोवाइडर एंड एलियस, तो आपको ईजिली लाइन्स मिल जाएगी, यहाँ से इसकी कन्फिगेशन भी मिल जाएगी। तो आप यहाँ से जस्ट कॉपी करें इनको, लेगा, मैंने क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो लेट्स सी, अब ये मेरा इंस्टॉल जब हो गया तो हमने इसके अंदर एलियस भी ऐड कर लिए, प्रोवाइडर और एलियस ऐड कर लिया, तो हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। तो सबसे पहले हमने लारावेल कलेक्टिव HTML जो है वो इंस्टॉल करनी है इसके कॉम्पोनेंट्स को यूज करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं, जैसे हमने यूज किए थे ब्लेडिंग टेम्पलेट के अंदर, इसी तरह से अब हम फर्दर इसको डिटेल में डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज करेंगे। हमने एलियस भी ऐड कर लिया। सबसे पहले फॉर्म का एट्रीब्यूट है, तो जो फॉर्म है ये हम लोग HTML में सिंपल लिखते हैं फॉर्म, उसके अंदर एक्शन देते हैं URL और उसके अंदर मेथड बताते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से लारावेल के अंदर जो ब्लेडिंग टेम्पलेट है उसके अंदर हमें फॉर्म का कंपोनेंट मिलता है। तो फॉर्म के कंपोनेंट का फ़ायदा ये है कि ये हमें डेटा बाइंड करने में आसानी होती है। जब हमने कंट्रोलर से डेटा पास करना है वापस फॉर्म को, तो हमें पॉपुलेट कराने में आसानी होती है। और बहुत सी चीज़ें हैं जैसे राउटिंग है वो डिफरेंट
टेक्निक्स हमें इसमें मिल जाती हैं। तो टेम्पलेटिंग को यूज़ करते हुए, ब्लेडिंग टेम्पलेटिंग को यूज़ करते हुए हमें अपने जो फ्रंट एंड के अंदर अपना बैक एंड का डाटा इंटीग्रेट करना होता है वो आसान हो जाता है, बाइंडिंग आसान हो जाती है। सबसे पहले फॉर्म का एट्रीब्यूट है। फॉर्म के एट्रीब्यूट के अंदर हम क्या करेंगे, फॉर्म इसको यूज़ करते हैं। फॉर्म का सिंपल जो है एक फॉर्म का ही कीवर्ड है। जैसे हम पीएचपी में इको करते थे तो जो हमारा ब्लेड है उसके अंदर में डबल कर्ली ब्रैक जो ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर हम जो कुछ लिखेंगे ये इक्वल इको के इक्वल है। डबल कर्ली ब्रेसेस में हम जो भी लिखेंगे वो बेसिकली इको ही हो रहा होता है, तो इसको हम इको भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे नीचे लिखा हुआ है इको फॉर्म ओपन, जो यहाँ पे जो यूआरएल है हम जैसे एचटीएमएल में लिखते हैं कि हमारा एक्शन, तो ये एक्शन है, और मेथड में हम देते हैं पुट है, गेट है, पोस्ट है, डिलीट है। तो इस तरह से मेथड भी यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम मेथड डिफाइन नहीं करेंगे तो जो डिफॉल्ट मेथड है वो इसका पोस्ट होता है। तो डिफॉल्ट मेथड अगर हम फॉर्म बनाते हैं फॉर्म का कंपोनेंट लारावेल के ब्लेडिंग टेम्पलेट में, तो उसका जो डिफॉल्ट मेथड है वो पोस्ट होता है। इसका सिंटैक्स ये है कि हम फॉर्म लिखेंगे और फॉर्म ओपन का टैग यूज़ करेंगे और इसी तरह इस फॉर्म को क्लोज भी करेंगे। फॉर्म ओपन के अंदर अब अपना यूआरएल देंगे, यहाँ पे हम कंट्रोलर एक्शन भी पास कर सकते हैं, राउट भी पास कर सकते हैं। तो इसको बना के देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि हम एक पेज बना लेते हैं जिसके अंदर हम एक फॉर्म का टैग लेंगे। तो मैं एक व्यू बना लेता हूँ, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं और उस व्यू के अंदर अपने सारे कंपोनेंट्स वन बाय वन क्रिएट करते जाएंगे ताकि हमें एट द एंड रिजल्ट भी नज़र आता रहे। तो हमारे व्यूज जो हैं वो रिसोर्सेज के अंदर पड़े हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं कॉपी कर लेता हूँ शो को और पेस्ट कर लेता हूँ, और इस शो को मैं रीनेम कर लेता हूँ। रीनेम करके मैं इसको कर लेता हूँ अपडेट, अपडेट का नाम रख लेता हूँ इस व्यू का जस्ट फॉर द सेक ऑफ टू सी द रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट। अब इस व्यू को मैं चेंज करता हूँ, इस व्यू के अंदर जो नज़र आ रहा है अब मैं वन बाय वन इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स हम यूज़ करेंगे वो इसके अंदर क्रिएट करता जाऊँगा। अब हम करेंगे ये कि इसके अंदर हम, अब सबसे पहले हमने फॉर्म का एट्रीब्यूट पढ़ा है, फॉर्म का कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। फॉर्म ओपन कर दो, फॉर्म ओपन के अंदर हम उसे कहेंगे कि इसके अंदर आप एक्शन मेथड दे देंगे कि जब ये ओपन हो तो ये कहाँ जाए, कार्स पे जाए। क्या ये इसका हमने यूआरएल दे दिया, इसको हम कह सकते हैं इसका यूआरएल है, इस यूआरएल पे ओपन हो एक्शन है ये, इसका एक्शन मेथड हमने दिया। एचटीएमएल के अंदर एक्शन एट्रीब्यूट होता है, सिमिलर है ये भी। ये हमारा फॉर्म ओपन हो गया, हमने इसको क्लोज भी कर दिया, अभी क्लोज नहीं किया, इसको क्लोज कर लेते हैं। अगर हम इसको क्लोज नहीं करेंगे तो एरर आएगा, एरर तो नहीं आएगा, चल जाएगा लेकिन वो फॉर्म क्लोज नहीं होगा, एरर नहीं आएगा। तो फॉर्म को हमने क्लोज भी कर लिया। अब इसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे तो ये फॉर्म के अंदर प्रिंट होगा। इसको हम चेक कर लेते हैं रेंडर करके कि हमारा रिजल्ट यही आ रहा है। दिस इज माई फर्स्ट फॉर्म, सेव करता हूँ इसको। अब सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो मेरा ये अपडेट का व्यू है। अब इसका राउट जो है वो क्या बनेगा, कार्ड्स। अच्छा सॉरी, हम लोग जाएंगे इसका राउट। अब अगर आपको राउट याद नहीं है कि इसका राउट क्या बनेगा, क्योंकि हमने रिसोर्स राउट लिखा हुआ है जिसके अंदर सारे राउट्स आते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे हम लोग, अपनी हमारी एप्लीकेशन cdww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 
राउट लिस्ट, तो आपको राउट लिस्ट मिल जाएगी, मतलब कि हमने अपडेट का एक व्यू बनाया, वो कब कॉल होगा? अपडेट का व्यू जो है वो ये कॉल हो रहा है कार्स डॉट अपडेट, और इसके लिए राउट बनेगा कार्स के आगे कार आईडी, उसका आईडी आएगा और इसकी जो रिक्वेस्ट है वो पैच होनी चाहिए। तो हम लोग शो का यूज कर लेते हैं, जो हमने रिकॉर्ड शो कराना है हम इसको कहीं और से रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, अब हम लोग आते हैं
हम एडिट का यूज करेंगे बेसिकली, क्योंकि एडिट हो रही है कार का डाटा पॉपुलेट करवाना है, तो हम एडिट का भी हम फर्दर इसको यूज करते हैं, हमने गेट रिक्वेस्ट भेजनी है। हमारा जो पाथ है वो बनेगा हमारी एप्लीकेशन का नाम लारावेल हेलो, और सॉरी लारावेल हेलो वन। अच्छा दिस इज माय फर्स्ट फॉर्म कॉल हो गया, ये कैसे कॉल हो गया इसका हम फ्लो देखते हैं। बेसिकली जब ये कॉल हुआ तो हमारा जो कंट्रोलर कौन सा कॉल हुआ है, हमारा कंट्रोलर जो कॉल हुआ है वो कॉल हुआ है शो वाला, हमारा शो कंट्रोलर कॉल हुआ है। तो उसने क्या किया, कार गेट की और ये व्यू अपडेट का व्यू रिटर्न कर दिया, ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था तो इसने ये व्यू रिटर्न कर दिया है। अच्छा इसका मतलब है ये हमारा फॉर्म जो सही चल रहा है, अगर वो एरर देता तो उसका मतलब था कि फॉर्म जो है वो सही से क्रिएट नहीं हुआ, तो फॉर्म हमारा ठीक चल रहा है। इस शो के व्यू में आया, शो ने जो है वो कार अपडेट का व्यू कॉल कर दिया। अच्छा शो के व्यू में कैसे आया, जब हमने गेट की रिक्वेस्ट भेजी, गेट की रिक्वेस्ट भेजी कार को और साथ उसका आईडी पास किया, तो शो का व्यू कॉल हुआ, शो के व्यू ने अपडेट का व्यू रिटर्न कर दिया, तो इसलिए कॉल हो गया। अच्छा अब हम वापस आते हैं, नेक्स्ट हमने फॉर्म का एट्रीब्यूट देख लिया कि फॉर्म के एट्रीब्यूट को हमने कैसे यूज करना है। इसके अंदर हम लोगों ने जो URL दिया है इसको मैं आपको दिखाता हूँ, रिजल्ट दिखाना है मैंने आपको कि रिजल्ट इसका क्या आता है। बेसिकली अगर हम इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, इंस्पेक्ट एलिमेंट में इसका सोर्स कोड व्यू करें, तो हम देखेंगे कि फॉर्म जो हमने फॉर्म ओपन और क्लोज किया था उसकी वजह से फॉर्म HTML फॉर्म रेंडर हुआ, और हमने मेथड में मेथड क्योंकि हमने डिफाइन नहीं किया था तो डिफॉल्ट मेथड जो है वो पोस्ट होता है, और इसके एक्शन के अंदर उसने हमारा डिफॉल्ट एक्शन दे दिया जो हमारी एप्लीकेशन का था। बाकी इसके अंदर आप देखेंगे तो फॉर्म क्लोज भी हो गया, और ये हमने फॉर्म के अंदर एक पैराग्राफ लिया तो वो भी फॉर्म के अंदर ही आया। इसका मतलब है कि हमारा जो कंपोनेंट्स है HTML कलेक्टिव लारावेल HTML कलेक्टिव वो सही इंस्टॉल हो गया है, और वो हमारा फॉर्म रेंडर हो रहे हैं, हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो HTML सही तरह से रेंडर हो रहे हैं, अगर ना होते तो एरर आना था। अच्छा अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट्स की तरफ चलते हैं, हमारा पहला कंपोनेंट फॉर्म था, तो फॉर्म के अंदर डिफॉल्ट जो है वो पोस्ट मेथड होता है, आप इसके अंदर कोई भी मेथड अपनी मर्जी से स्पेसिफाई भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है, अच्छा फॉर्म के अंदर आपने पैरामीटर भी पास करने होते हैं, फॉर्म के अंदर जैसे अभी हमने URL पास किया इसी तरह से फॉर्म के अंदर हम लोग अपना एक्शन भी पास कर सकते हैं, कि जहां मेरा एक्शन मेथड है यहां मैंने अपना URL दिया है। अगर मैं अपने अपडेट के कंट्रोलर में आता हूं, जैसे मैं URL दे रहा हूं, यहां पर मैं अपना एक्शन पास कर सकता हूं एक्शन, और इसको मैं कहूंगा कि मेरे कार कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स का एक्शन कॉल कर दो, तो ये इस तरह से भी हम इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। और अगर हमने इसके अंदर पैरामीटर पास करने हैं तो यहाँ पे हम कॉमा लगा के हम इसको पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, कार आईडी, इस तरह से इसका पैरामीटर भी पास किए जा सकते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको फॉर्म के अंदर पैरामीटर पास करने एक्शन मेथड में तो आप यहीं पे पास कर सकते हैं उसको। एक तो हम URL से स्पेसिफाई कर सकते हैं, एक हम एक्शन को यूज करते हुए कंट्रोलर और एक्शन मेथड स्पेसिफाई करते हैं, राउट भी स्पेसिफाई करते हैं, इसी तरह से हम राउट भी स्पेसिफाई करते हैं कि कार के राउट्स के अंदर अपडेट का जो राउट है या शो का जो राउट है वो कॉल कर दो, इस तरह से भी इसको स्पेसिफाई किया जा सकता है। तो फिर हम यहाँ पे राउट लिख देंगे अगर हमने राउट से करना है, तो इसको डिफरेंट वे हैं, डिफरेंट तरीके हैं एक ही चीज़ को अचीव करने के, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट नीड, जैसे भी आपको नीड होगी, जैसे भी आपका काम जो है वो कम्प्लीट हो रहा है, डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट चीज़ें यूज़ होती हैं, तो उसमें आप ये तीनों सिनेरियो में जो भी आपको सूट कर रहा होगा आप वो टेक्निक यूज़ कर लेंगे। आइदर यू कैन राइट सिंपल URL, और यू कैन यूज़ कंट्रोलर और एक्शन, और यू कैन यूज़ राउट टू स्पेसिफाई योर एक्शन मेथड, एक्शन URL, एंड यू कैन ऑल्सो पास पैरामीटर इन दिस वे, ठीक है, यूजिंग कंट्रोलर और राउट यू कैन ऑल्सो पास पैरामीटर्स इन द एक्शन मेथड। अच्छा जी नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास है CRF प्रोटेक्शन कंट्रोल। बेसिकली CRF क्या है, CRF जो है ये सिक्योरिटी
पॉइंट ऑफ व्यू से है, अगर हम रॉ अगर हम सिंपल कोर पीएचपी में या पहले एप्लीकेशंस जो बनाते थे उसके अंदर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने तो किया नहीं जाता था, इतना तो कोई देखता नहीं था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स होती गई और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी भी की नज़र भी इंक्रीज करती गई, उसकी वैल्यू भी बढ़ती गई, लोग हैकर भी ज़्यादा हो गए, चीज़ें मैच्योर हो गई, तो डिफरेंट थ्रेट्स भी आने लगे उसके अंदर से। एक जो है सिक्योरिटी के अंदर एक चीज़ है CRF क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर ग्रीस। इसके अंदर ये होता है कि अगर आप किसी यूज़र ने आपकी वेबसाइट खोली तो उसका एक सेशन क्रिएट हो जाता है। मतलब मैंने कोई भी facebook.com खोली तो हो सकता है किसी और बंदे ने भी खोली हो। अब मैं facebook.com खोलता हूँ तो मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड उसके अंदर इंटर करता हूँ और वो मैं भेजता हूँ वापस सर्वर को। इन बिटवीन वो रिक्वेस्ट कहीं और चली जाती है या किसी सर्वर पे जाती है, अब मेरे जो इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर है उसके पास जाती है और वहाँ से फिर फेसबुक सर्वर को जाती है। तो मे बी मैं अब मैंने अपना ब्राउज़र यूज़ किया, मैं अपना काम करता रहा और उसके बाद मैंने लॉग आउट नहीं किया, मैं छोड़ गया, या किसी दूसरे कंप्यूटर पर जाके किसी और ने मेरा वो सिस्टम यूज़ करते हुए सेशन, मैंने अपना सेशन ख़त्म कर दिया और किसी और ने वो मेरा डाटा यूज़ कर लिया। तो इस चीज़ को कैटर करने के लिए इसको कहते हैं CRF क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्म। आप यहाँ पे अपना सेशन यूज़ कर रहे हैं लेकिन दरमियान में किसी और ने आपकी रिक्वेस्ट को यूज़ करते हुए आपका डाटा जो है वो यूज़ कर लिया। इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ आपको कि बेसिकली ये होता है कि इसको अभी हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। मैंने एक डायग्राम खोली थी, जैसे आपने ये एक यूज़र है उसने लॉग इन किया वेब एप्लीकेशन सर्वर में और उसके क्रेडेंशियल ब्राउजर में सेव हो गए। लेटर ऑन क्या हुआ कि उसने दोबारा विजिट किया ब्राउजर, हैव सेव योर क्रेडेंशियल इवन वेब एप्लीकेशन, किसी और वेब एप्लीकेशन में वो क्रेडेंशियल यूज किए और आप वही क्रेडेंशियल को यूज करते हुए उसने जो आपकी एप्लीकेशन थी जिसके क्रेडेंशियल सेव हो चुके हैं उनको यूज करना शुरू कर दिया क्योंकि आपके क्रेडेंशियल जो थे वो सेव हो चुके थे वहां पे। अब इस चीज को बचने के लिए जो लारावेल है, क्योंकि लारावेल एक फ्रेमवर्क है तो फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सी चीज़ें इम्प्लीमेंटेड होती हैं, बहुत सी चीज़ें मैच्योर होती हैं। तो इन्होंने ये CRF जो सिक्योरिटी है क्रॉस साइट जो स्क्रिप्टिंग हो जाती है, क्रॉस साइट अटैक भी कहते हैं इसको, उसको इन्होंने खुद से हैंडल किया। वो कैसे हैंडल किया, उसकी टेक्निक ये है कि जब भी मैं अपनी एप्लीकेशन ओपन करूँगा, यहाँ पर मैंने अपनी एप्लीकेशन इंटर की तो हुआ क्या, सॉरी यहाँ पे मैंने वो राउट डिफाइन किया था जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है, वो मैंने गलत टाइप किया था। इसको मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ, कंट्रोल वाई। जब मैं अपनी एप्लीकेशन पे आता हूँ, मैंने अपनी एप्लीकेशन ओपन की तो अब हुआ क्या कि जब मेरी रिक्वेस्ट जो है वो मेरे सर्वर के पास गई, लारावेल के अंदर गई, तो लारावेल ने क्या किया, मेरे एक सेशन क्रिएट कर दिया कि ये यूज़र अभी आया है और इस यूज़र की कम्युनिकेशन लारावेल एप्लीकेशन के साथ हो रही है। उसने एक यूनिक की जनरेट कर दी मेरे सेशन के लिए, जैसे ही मैं ब्राउज़र बंद करूँगा मेरा वो सेशन वो की जो है वो एक्सपायर हो जाएगी। उसने वो की जो है वो हर रिक्वेस्ट और रिस्पांस में जाएगी, अगर वो की मेरे रिक्वेस्ट में मौजूद नहीं होगी वो जो की है वो लारावेल अपनी एप्लीकेशन में भी सेव कर लेता है। और जैसे ही मेरी पहली रिक्वेस्ट गई, मैंने इंटर किया लारावेल के पास रिक्वेस्ट की, लारावेल ने चेक किया ये पहली रिक्वेस्ट है तो उसने की जनरेट कर ली, अपने पास भी सेव कर ली और यूज़र को भी ट्रांसफ़र कर दी। अब लारावेल ये अज्यूम करेगा कि जब तक मैं उसको रिक्वेस्ट भेजता रहूँगा वो मैं की उसको रिस्पांस में भेजूंगा। अब एज ए डेवलपर हमें क्या करना पड़ेगा, वो की उसको हर रिक्वेस्ट में भेजनी पड़ेगी, लेकिन हमें इसको बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। लारावेल इट्सेल्फ हर रिक्वेस्ट के ऊपर, पोस्ट की रिक्वेस्ट है, जब हम डेटा जो है वो सर्वर पर पोस्ट कर रहे हैं तो वो रिक्वेस्ट इम्बेड कर दे, वो जो की है वो उस रिक्वेस्ट में इम्बेड करके भेज देता है। उस की को कहते हैं CSRF टोकन, उस की को CRFS टोकन कहते हैं। अब मेरा ये फॉर्म है इसके अंदर अगर हम लोग देखें क्या वो CRFS टोकन जो है वो जनरेट हो गया, ये देखें आपको जो वैल्यू नज़र आ रही है ये CSRF टोकन है। अगर ये मेरा टोकन मेरी रिक्वेस्ट में मौजूद नहीं होगा और मैं वापस सर्वर को हिट करूंगा तो ये मुझे एरर देगा, मतलब मुझे एरर तो नहीं देगा, मतलब मुझे एक्सेस उसको लगेगा कि ये वैलिड नहीं है, ये कोई किसी और साइट से रिक्वेस्ट आई है, सेशन इसका कहीं और क्रिएट हुआ था लेकिन इसकी रिक्वेस्ट का सोर्स कोई और है।
तो ये की जो है लारावेल ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। अब ये की यहीं पे आपके ब्राउजर में मौजूद है और हर रिक्वेस्ट के साथ आपकी की इम्बेड होके जाएगी। तो अगर तो हम लोग टैग यूज कर रहे हैं, एड फॉर्म का टैग यूज कर रहे हैं, जो ब्लेडिंग इंजन का टैग है कंपोनेंट यूज कर रहे हैं फॉर्म क्रिएट करने के लिए, ये तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। लेकिन अगर आप फॉर्म का टैग यूज कर रहे हैं, आप फॉर्म का टैग भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इस तरह से भी अगर आप यूज कर रहे हैं फॉर्म का टैग, सिनेरियोस पे डिपेंड करता है। अगर आपको ये बेहतर आसान लगता है तो आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं, दोनों वेज ठीक हैं। तो इसके अंदर आपको क्या करना होगा, आपको जस्ट CRFS टोकन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जस्ट आपने लिखना है कर्ली ब्रेसेस फॉर्म टोकन। ओके, जस्ट आपने टोकन लिखना है और ये इस फॉर्म के अंदर भी ये टोकन जनरेट कर देगा। अगर तो हम लारावेल का कंपोनेंट यूज करें फॉर्म का, तो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। अगर हम यूज नहीं कर रहे और हम चाहते हैं कि CRFS टोकन को इम्प्लीमेंट करें, तो हम लोग जस्ट ये सिंटेक्स लिखेंगे, ये कंपोनेंट लिखेंगे और ये टोकन जनरेट कर देगा। अब यहाँ पे मैं कह देता हूँ फॉर्म को सेग्रीगेट करने के लिए SCR टोकन। अभी मैं इसको सेव करके रन करता हूँ और कंट्रोल चलाता हूँ। तो लेट्स सी, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो एरर आ गया, पार्स सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड। सॉरी, मैंने यहाँ पे शायद ये लिख दिया जिसकी वजह से एरर आ रहा है। रिफ्रेश करते हैं इसको, तो ये आ गया। मैं इसको भी रिफ्रेश करता हूँ, देखें जो मेरा सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म के अंदर उसने एक हिडन CRFS टोकन जनरेट कर दिया। ये दोनों टोकन सेम है क्या? मेरे सेशन के लिए टोकन जनरेटर हर सेशन में एम्बेड होगा। अगर ये मेरे हर सेशन के साथ रिक्वेस्ट में लारावेल के फ्रेमवर्क को नजर नहीं आएगा, तो वो उसको वैलिड रिक्वेस्ट कंसिडर नहीं करेगा, वो समझेगा ये CRFS अटैक हो रहा है। तो ये सिक्योरिटी लारावेल ने खुद से इम्प्लीमेंट कर दी, हमें इसका ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। जस्ट हमें देखना है, अगर हम फॉर्म टैग जो है वो रॉ यूज कर रहे हैं, तो हम जस्ट हमें ये कॉम्पोनेंट उसके अंदर ऐड कर लेना है। तो ये CRFS टोकन हो गया, ठीक है। ये एक रैंडम टोकन जनरेट करता है हर यूजर सेशन में, और वो हर रिक्वेस्ट अगर वो पुट की है जिसमें डेटा पोस्ट हो रहा है या डिलीट कर रहे हैं हम सर्वर से, सर्वर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो CSRF टोकन जो है वो उसको चेक करता है। अगर वो टोकन पास नहीं होगा तो वो इनवैलिड रिक्वेस्ट में आएगा। तो ये हमारा CRFS टोकन है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है, अटैचिंग द CRFS टोकन टू द राउट। हम ये भी कर सकते हैं कि हम किसी भी राउट से पहले हम CSRF टोकन जो है वो इम्बेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर कोई राउट है प्रोफाइल का और मैं चाहता हूँ उससे पहले वैलिडेट हो के इस रिक्वेस्ट के साथ CSRF टोकन आ रहा है, तो मैं अपने राउट में जाके डिफाइन कर सकता हूँ कि प्रोफाइल से पहले बिफोर दिस राउट चेक, बिफोर का ये कीवर्ड बता रहा है कि इस रिक्वेस्ट से पहले CRFS टोकन इम्प्लीमेंट करो, उसके बाद मैं उसको किसी भी व्यू या कंट्रोलर पे भेज सकता हूँ। या जब भी प्रोफाइल की पोस्ट की रिक्वेस्ट आए तो उसके ऊपर वो उससे पहले CSRF टोकन को वैलिडेट करेगा, क्या इस सेशन का CSRF टोकन वैलिड है। अगर नहीं होगा तो वो इनवैलिड रिक्वेस्ट कंसिडर होगी और उसको प्रोसेस नहीं करेगा लारावेल। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं कि फॉर्म मॉडल बाइंडिंग क्या होती है। फॉर्म मॉडल बाइंडिंग ये है कि हम लोगों के पास स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू बना सकते हैं। अगर हम लोग HTML के अंदर अपना रॉ फॉर्म बनाते हैं, जैसे मेरे फॉर्म के अंदर इस वक्त तीन फील्ड मौजूद हैं, उनमें से एक मेक है, एक मॉडल है, कार के लिहाज से हमने जो मॉडल बनाया था मेक मॉडल और प्रोड्यूस्ड ऑन डेट। तो इसको अगर हम देखें, अगर मैंने इस फील्ड को पॉपुलेट करवाना है एक HTML के फॉर्म में, तो उसके अंदर डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं। जैसे हम लोगों को जो मेक है वो एक टेक्स्ट बॉक्स में पॉपुलेट करना पड़ेगा, मॉडल भी एक टेक्स्ट बॉक्स में पॉपुलेट करने का, और प्रोड्यूस ऑन डेट भी एक टेक्स्ट बॉक्स में पॉपुलेट करनी पड़ेगी। तो जब मैं कंट्रोलर से वो डाटा पास करूंगा व्यू को, तो मुझे मैन्युअली उनको बाइंड करना पड़ेगा कि मेक क्या आ रहा है। कोई भी कार सेलेक्ट होती है ब्राउजर में, कार 1, कार 2, कार 3, तो उसको मैन्युअली मुझे बाइंड करना पड़ेगा।
फॉर्म मॉडल क्या करते हैं, हम इसको जो हमारे मॉडल है जैसे हमारी कार का मॉडल, तो हम स्ट्रांगली टाइप व्यू बना सकते हैं कि हमारे जो व्यू की जो फील्ड है, हमारे फॉर्म की जो फील्ड्स हैं, वो बिल्कुल वही सेम होंगी जैसे हमारे मॉडल के अंदर फील्ड है। जैसे मेक है तो हमारे फॉर्म में भी मेक के नाम से एक टेक्स्ट बॉक्स मौजूद होगा। दूसरा मॉडल है तो हमारे मॉडल जो हमारा फॉर्म है उसके अंदर भी जो फील्ड का नाम होगा मॉडल ही होगा। और हमारा जो तीसरा कॉलम है वो प्रोड्यूस्ड ऑन है, तो हमारा फॉर्म के अंदर भी प्रोड्यूस होना होगा और मॉडल जो हमारा फॉर्म मॉडल है, जो मॉडल हमारे डेटाबेस है इसमें बने हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर की बात कर रहा हूँ, जो हमारा कार का मॉडल है उसके अंदर भी प्रोड्यूस होना होगा फॉर्म के अंदर। तो ये ऑटोमेटिकली डेटा को बाइंड कर देगा और रिट्रीव भी करने में आसानी होगी। तो डेटा को कंट्रोलर से व्यू में पास करना बड़ा आसान हो गया, बाइंड करना भी आसान हो गया। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे यही बता रहा है, व्हेन वी जनरेट अ फॉर्म एलिमेंट, जब हम मॉडल फॉर्म यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो वैल्यूज हैं वो हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर पॉपुलेट करता है, बस शर्त यह है कि उनका नाम सेम होना चाहिए। तो फॉर्म मॉडल, जैसे फॉर्म ओपन यूज किया इसी तरह से हम फॉर्म की जगह मॉडल का कीवर्ड यूज करेंगे और इसको क्लोज करने के लिए भी फॉर्म क्लोज ही यूज करेंगे। नेक्स्ट अभी हम इस फॉर्म को बनाते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको आप वाइडली यूज करेंगे। अच्छा अब मैं कर लेता हूँ कि जैसे मेरे पास ये अपडेट का फॉर्म है, ये कहाँ से रिटर्न हो रहा है, मेरे पास कार का कंट्रोलर है, कार के कंट्रोलर को शुरू में ले आते हैं और हमारे पास यूज हो रहा है अपडेट प्लेट। ओपन की जगह हम मॉडल कर देंगे और मॉडल अब यहाँ पर हम URL दे रहे हैं, URL की जगह पे हम अपना route भी लिख सकते हैं और action भी pass कर सकते हैं। सब प्लस basically होगा क्या, अब जब हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो कार का मॉडल है, अगर हम अपना मॉडल चेक करें, हमने एक मॉडल क्रिएट किया था कार के नाम से, कार कंट्रोलर, एंड सिमिलरली हमने कार मॉडल भी क्रिएट किया था। कार मॉडल में हमारे पास बेसिक फील्ड थी मेक मॉडल एंड प्रोड्यूस्ड ऑन द डेट। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है वो ही रिकॉर्ड यहाँ पे नज़र आ जाए ऑटोमेटिकली। सेम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं सेम टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा, सेम फील्ड्स बनाऊंगा और उसी तरह से वो पॉपुलेट हो जाए। तो इसके अंदर एक कॉम्पोनेंट होता है जिसको हम टेक्स्ट भी कहते हैं, सॉरी ये फॉर्म डिलीट कर देते हैं, ये फॉर्म यूज नहीं कर रहे, फॉर्म को हम डिलीट करते हैं, वापस आते हैं। मैं यहाँ पे कंपोनेंट यूज करूँगा इसी का टेक्स्ट बॉक्स के लिए। अगर आपने एक टेक्स्ट बॉक्स जनरेट करना है तो आप लिखेंगे फॉर्म टेक्स्ट, जस्ट टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स जनरेट हो जाएगा। टेक्स्ट के जो उसका नाम आएगा कि टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या रखना चाहिए, हम मेक उसका नाम रख देते हैं और जस्ट मेक, ये मेक वही नाम है, सेम नाम रखते हैं जो हमारे मॉडल का नाम है। बेसिकली मॉडल जो है, मॉडल फॉर्म का मतलब ही है कि आपने जैसा मॉडल बनाया है वैसे ही आपकी फील्ड बनेगी, सेम नाम की बनेगी और ऑटोमेटिकली मॉडल का डाटा बाइंड हो जाएगा आपके व्यू के साथ। और इसी तरह से जब डाटा पास करेंगे तो सेम नाम के साथ जाएगा, तो आपको फेच करने में भी आसानी होगी, डाटा कंट्रोलर से सेंड करने में भी आसानी हो जाएगी। मॉडल फॉर्म इसको स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू भी कहते हैं क्योंकि आपके बिल्कुल मॉडल के मुताबिक बनता है। तो अब होगा क्या, पीछे से हमारे पास एक मॉडल आएगा जिसके अंदर हमारे पास कार का रिकॉर्ड होगा, पूरी कार आएगी, उस कार के अंदर जो मेक होगा ऑटोमेटिकली इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर उसकी वैल्यू पॉपुलेट हो जाएगी। हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, वो लारावेल के अंदर बैकएंड पे अगर सेम नाम मॉडल का आप फॉर्म बनाएंगे और सेम फील्ड के नाम रखेंगे, ऑटोमेटिकली जो पीछे से आप कंट्रोलर से मॉडल की वैल्यूज पास करेंगे, जो मॉडल पास करेंगे उसकी वैल्यू असाइन कैसे होंगी, अभी हम वही क्रिएट करते हैं। जब हम लोग कॉल कर रहे हैं अपना पब्लिक कार और गेट की रिक्वेस्ट जाती है और कार की आईडी बन जा रही है, हमारे पास कार्स के अंदर गेट की रिक्वेस्ट जा रही है और कार की आईडी बन जा रही है, जिससे हमारा कौन सा व्यू कॉल हो रहा है। अगर हमारे पास कार्स आ रही हैं, गेट की रिक्वेस्ट है, कार आ रही है और ये एक तो ये है और यही है, हमारे पास गेट का कॉल हो रहा है अभी। अगर हमारे पास गेट की रिक्वेस्ट आती है और
कार आती है, हमारे पास अभी शो का कॉल हो रहा है, सॉरी शो का व्यू कॉल हो रहा है, क्योंकि हम गेट की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, उसके अंदर हम कार्स यूआरएल में कार्स आ रहा है और साथ कार की आईडी आ रही है, तो शो का व्यू कॉल हो रहा है। अभी हमारा जो व्यू कॉल हो रहा है वो ये वाला व्यू कॉल हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हुआ है कि हम लोगों ने जो हमें आईडी आ रही है पैरामीटर में, आईडी से हमने कार की डीबी से वैल्यू गेट की और उसको वापस हमने पास कर दिया अपने व्यू को। अब व्यू के अंदर हमारा जो व्यू कॉल है वो अपडेट का व्यू कॉल हो रहा है, मतलब ये जो हमारा मॉडल है ये ऑलरेडी रिटर्न हो रहा है हमारे अपडेट के व्यू को। तो ये मॉडल किस नाम से हमें एक्सेसिबल होगा, कार के नाम से ऑलरेडी भी हमने काम किया, तो यहाँ पे हमें इसका मतलब है ये कार के नाम से एक्सेसिबल है। तो इसमें डिफरेंस ये है कि स्टार्ट में आपने मॉडल बताना है, जो आप पीछे से मॉडल पास करें कंट्रोलर से जो मॉडल पास कर रहे हैं सेम नाम लिखना है। तो अब ये मॉडल जो है इसको एक्सेसिबल हो गया। अब इसको पता चल गया है कि जब कंट्रोलर से ये व्यू कॉल होगा तो उसके अंदर कार का मॉडल एक आएगा और उसके अंदर वैल्यूज जो भी होंगी ऑटोमेटिकली बाइंड कर देगा। जैसे मेक है तो मेक को ही ऑटोमेटिकली बाइंड कर देगा। इसी तरह से मैं मेक के बाद, हमारे पास एक दूसरी फील्ड मॉडल भी थी मेक मॉडल, तो मैं इसको रन करके देखता हूँ। ये देखें, अब कार वन की जो मेक थी वो सुजुकी थी और मॉडल 2015 था, और कार टू की होंडा थी और सिटी। मैंने वैल्यू बाइंड नहीं की, लेकिन उसने ऑटोमेटिकली कंट्रोलर से जब मॉडल पास हुआ कार टू फेच हुई और कार टू जो है वो व्यू को पास हुई, और व्यू के कार के मॉडल के अंदर हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज आ रही थी। हम डेटाबेस से चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज आ रही थी। हम यहाँ पे जाते हैं, लोकल होस्ट लिखते हैं और सॉरी इसको आप सोर्स कंट्रोल को हटा दें, सोर्स कोड को माई पी एच पी एडमिन में जाएंगे। इसके अंदर हमारी जो डेटाबेस अभी यूज हो रही है वो रूट यूजर नेम एंड पासवर्ड कुछ भी नहीं होता डिफॉल्ट, उसको आप जस्ट वो करें। हमारी ये डेटाबेस यूज हो रही है, इसके अंदर हमारे पास एक कार का मॉडल है, कार का टेबल है, कार के टेबल के अंदर हमारे पास कितने रिकॉर्ड मौजूद हैं, दो रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो ये उसने ऑटोमेटिकली मेक की जो वैल्यू थी वो बाइंड कर दी, मेक मॉडल और प्रोड्यूस्ड ऑन। ये ऑटोमेटिकली जब डेटाबेस से फेच हुआ तो इसी नाम से हमारा मॉडल क्रिएट हुआ। हमारे पास आया कि हमारी कार वन जो है उसका मेक ये है, मॉडल ये है, प्रोड्यूस ऑन ये है, उसी को हमने पास कर दिया व्यू को। और व्यू के अंदर क्योंकि हमने मॉडल व्यू बनाया था तो मॉडल व्यू एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि सेम नाम मेक के नाम से मेरे पास एक वैल्यू पड़ी है, उसके अंदर जो वैल्यू थी ना वो उसने शो करा दी। इसी तरह मॉडल के नाम के रेफरेंस से जो उसकी अगेंस्ट वैल्यू पड़ी थी वो भी उसने शो करा दी। इस फॉर्म को हम सेट भी कर लेते हैं, ये हमें अपडेट करने में बहुत आसानी होगी। आप इसकी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, आपने अपनी एप्लीकेशन में बूटस्ट्रैप इंक्लूड की हुई है। बेसिकली ये जो है ये हमारा व्यू जो है ये कंपोनेंट व्यू नहीं बनाया हमने, चाइल्ड व्यू नहीं बनाया, इसको हम चाइल्ड व्यू बना लेते हैं। जो हमारा पेरेंट है वो हमने पेरेंट क्रिएट किया हुआ है, आई थिंक सो नहीं क्रिएट किया हुआ, तो इसी में हम कर लेते हैं। हमें बूटस्ट्रैप इंक्लूड करनी पड़ेगी, इसकी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं आप, लेआउट बना सकते हैं जैसे हमने लास्ट लेक्चर में लेआउट क्रिएट किए थे उस तरह से, ताकि इसकी स्टाइलिंग सही हो जाए। अभी मैं इसको वैसे ही कर देता हूँ। अच्छा, ये हमने दो बना लिए। इसी तरह से आप तीसरा प्रोड्यूस्ड ऑन भी बाइंड कर सकते हैं, प्रोड्यूस्ड ऑन ये वैल्यू भी बाइंड इसी तरह से हो जाएगी अगर आप इसको कॉल करते हैं। तो ये देखें डेट टाइम भी आ गया इसका, लेकिन हम इसको क्योंकि इसका हमने स्टाइलिंग नहीं की, लेआउट नहीं यूज़ किया, तो इसको हम लेआउटिंग भी इसकी ठीक कर सकते हैं। उसको करने के लिए हम लोग सिंपल अभी ये कर लेते हैं कि हम इसके अंदर बूटस्ट्रैप ऐड कर लेते हैं और साथ साथ हम इसके अंदर जेक्यूरी भी ऐड करेंगे। क्या बूटस्ट्रैप CDN, आप CDN सर्च करेंगे आपके पास आ जाएगा कॉन्टेंट डिलीवरी नेटवर्क। CDN का मतलब ये होता है हम अपने पास डाउनलोड नहीं करते, लेकिन हम इसका CDN यूज़ कर लेते हैं। गेट बूटस्ट्रैप CDN पे किया, हमारे पास CDN आ गया, ये आ गया इसका CDN CSS, ओके इसको आप कॉपी कर लें।
सारे कॉपी कर लेते हैं, ये हमारे पास की बूटस्ट्रैप ऐड हो जाएगी। कॉपी किया और इसी तरह से हमने लेआउट पेज भी बनाया था, यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास बूटस्ट्रैप ऐड होगी। अब हम ऐसा करते हैं, इसको हम बना लेते हैं डिव क्लास, इसमें जेक्वेरी भी ऐड करनी होगी। लेट्स सी, कंटेनर हमारा जितना भी कंटेंट है वो कंटेनर के अंदर शो होगा बूटस्ट्रैप के। अच्छा, अब ये बेसिकली हमारा एक फॉर्म है, तो इसको हम ऐसा करते हैं, ये स्टाइल करने के लिए डिव क्लास फॉर्म ग्रुप, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं ताकि इसकी स्टाइलिंग हम बेहतर कर सकें। फॉर्म ग्रुप और डिव, सॉरी इसको हम डिव को बंद कर देंगे। इसी तरह से ये भी हमारा एक फॉर्म ग्रुप है, इसके अंदर हमें काफी, अभी हमने कंट्रोल के ऊपर कैसे लगानी है, क्लास कैसे लगानी है वो भी अभी हम देखते हैं। तो ये हमारे फॉर्म ग्रुप बन गए, इसको भी हम फॉर्म ग्रुप बना देते हैं और फिर देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या नजर आता है, क्या हमारी बूटस्ट्रैप सही चल रही है या नहीं चल रही। होपफुली नॉट वर्किंग, इट्स वर्किंग। अच्छा, अब होंडा तो नजर आ रहा है लेकिन ये क्या है हमें समझ नहीं आ रही, तो इसके सामने इसके बाद एक लेबल भी आना चाहिए इसका। उस लेबल को लगाने के लिए हम लोग दो तरीके हैं, या तो हम HTML का लेबल यूज कर लें या हम कंपोनेंट यूज करें लारावेल का। हम लारावेल का कंपोनेंट यूज करते हैं, तो उसके कंपोनेंट के अंदर सेम हम करेंगे फॉर्म लेबल। अब लेबल के अंदर आपने बताना है किसका लेबल, ठीक है, उसकी की दे देंगे और वैल्यू दे दें। नाम क्या है इसका, मेक, और इसकी वैल्यू भी मेक है, तो ये इसका लेबल बन गया। हम चला के देखते हैं, एक्सेप्शन आ गई, एक्सेप्शन क्यों आई है, सिंटैक्स एरर कह रहा है, मेरी स्पेलिंग गलत है। जी क्या कह रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड एरर, एक्सपेक्टिंग दिस, ये भी सिंटैक्स एरर आ रहा है। FOM फॉर्म हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर भी किया हुआ है, आगे जाके इसमें आना भी था। फॉर्म लेबल मेक, इसको अगर मैं रिमूव करता हूँ, लेट्स सी क्या कहता है, सिंपल मैसेज कर देता हूँ, दे रहा है, कह रहे जी अनएक्सपेक्टेड, अभी तो मैंने इसको रिमूव कर दिया, कैशेस उठा रहा है, तो बंद करते हैं। फिर फाइन एरर, नेक्स्ट हम नेक्स्ट में देखते हैं, अभी आगे जब आता है तो इसको सेट करते हैं। अच्छा, बैक टू, अभी हम इसका लेबल लगाते हैं, इसको मैं पहले स्टाइल कर लूँ, अब तो अगर हमने इसके ऊपर क्लास लगानी है, इससे हमारा ये कंट्रोल है, ये हमारा फॉर्म कंट्रोल है, तो इसके ऊपर अगर हमने क्लास लगानी है तो हम यहाँ पे जस्ट यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसके ऊपर क्लास लगानी है, डिफरेंट मैंने इसमें प्लेस होल्डर लगाना है, तो यहाँ इसको हम यूज करते हुए इसके एट्रीब्यूट्स इस तरह से हम इसकी क्लास लगाएंगे, क्लास लगेगी, फॉर्म कंट्रोल ही लगेगी। तो चेक करते हैं क्या इंक्रीमेंट हुई है इसके ऊपर, उसके अंदर एरर दे रहा है क्योंकि मैंने गलत टेक्स्ट यूज कर दिया। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू भी डिफाइन करनी होती है, इसकी वजह डल है, इसलिए इसका एरर आ रहा था। रिफ्रेश करते हैं, देखो एरर नहीं आ रहा। तो इसकी सिमेंटिक्स हमें डिफाइन करने से पहले, इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट डिफाइन करने से पहले, सबसे पहले इसका नाम आएगा, फिर इसकी वैल्यू, और फिर आगे इसके एट्रीब्यूट हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, हमने क्लास इम्प्लीमेंट करनी है। अभी इसको फर्दर हम सेट करते हैं फॉर्म को, जो कंट्रोल्स होते हैं फॉर्म कंट्रोल की क्लास इंप्लीमेंट होगी। अगर हम चेक करें क्या हमारी क्लास लग गई है,
इसको इंस्पेक्ट करेंगे और चेक करेंगे क्या इसके ऊपर हमारी क्लास इंक्रीमेंट हो गई है। जी क्लास देखिए फॉर्म कंट्रोल की क्लास लग रही है, तो हमारा ये सही चल रहे हैं एट्रीब्यूट्स, इसका मतलब है। इसी तरह से हम इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। अब डिफरेंट कंपोनेंट्स देखते हैं वन बाय वन, इसको हम चेक कर लेते हैं। लेट्स सी, हमने मॉडल बना लिया, हमने लेबल देख रहे हैं, मॉडलिंग देख ली कैसे होती है फॉर्म को क्लोज करने के लिए, मॉडल को भी क्लोज करने के लिए फॉर्म क्लोज यूज करेंगे। अभी हमने लेबल इंप्लीमेंट किया, लेबल हमारा लगा नहीं था, अभी हम लेबल लगा लेते हैं। पहले तो इसका लेबल लगाते हैं, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। फॉर्म कंट्रोल के अंदर हम आते हैं और हम लोग इसी तरह से लेबल इंप्लीमेंट करेंगे, फॉर्म और नाम, लेबल का नाम देंगे, लेबल का हमारा नाम है मेक, टेबल की वैल्यू क्या नजर आए, मेक नजर आए, और इस तरह से इसको रिफ्रेश करते हैं। सिंगल कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए, डबल आनी थी, बस शो नहीं कर रहा। यहाँ भी डबल आनी है, यहाँ भी डबल लगा दी, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए इसका नाम मेक आ गया। तो सबसे पहले लेबल का नाम आएगा, उसके बाद लेबल की वैल्यू आएगी, और उसके बाद सिमिलरली अगर इसके ऊपर आपने क्लास इंप्लीमेंट करनी है तो हम लोग इस तरह से क्लास स्पेसिफाई कर सकते हैं। क्लास अरे है इसकी जो की, और वैल्यू इसकी है कौन सी क्लास, फॉर्म लेबल, ये हमारा बूटस्ट्रैप की क्लास है, फॉर्म लेबल की क्लास बन गई। इसको चेक कर लेते हैं, इसके ऊपर क्लास इंप्लीमेंट हुई है, इसके ऊपर क्लास लगी है, ठीक है। इस तरह से इसके ऊपर आप क्लास लगा सकते हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पास कर सकते हैं। तो ये हमारा लेबल हो गया। अगर आपने लेबल जो है वो बाइंड करना है तो उस तरीके से आप बाइंड कर सकते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट वे में क्लास भी लगा सकते हैं। जो जिस जो आप लेबल का नाम रखेंगे और जो आपकी फील्ड का नाम होगा, जैसे मैंने इसका नाम मेक रखा, जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स मेक था ये उसके साथ बाइंड हो गया। जो आपके फील्ड का नाम होगा वो ये आपके लेबल का नाम होता है। तो इस तरह से हम इसमें लेबलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट है, टेक्स्ट बॉक्स कैसे जनरेट करना है आपने ये भी हमने देखा, टेक्स्ट बॉक्स कैसे लगाना है। अभी हमने एक टेक्स्ट बॉक्स जनरेट किया था, सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स का नाम आता है, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू आती है, जिसको प्लेस होल्डर भी कह सकते हैं। तो वैल्यू आ जाएगी, अगर प्लेस होल्डर डिफाइन करना है तो आप इधर प्लेस होल्डर भी अलग से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ लगाया था तो यहाँ पे आप प्लेस होल्डर भी कर सकते हैं, कॉमा लगा के हम लोग यहाँ इसको प्लेस होल्डर भी बनाया जा सकता है, लिख सकते हैं कि प्लेस होल्डर, क्योंकि लेकिन हमारी वैल्यू पॉपुलेट हो रही है इस वजह से वो प्लेस होल्डर नज़र तो नहीं आएगा। इस तरह से आप प्लेस होल्डर भी डिफाइन कर सकते हैं, ये मेरा मेक है, ठीक है। तो ये अभी हम जब वैल्यू डायरेक्टली बाइंड कर रहे हैं, हमारे मॉडल से वैल्यू पास हो रही है, ये हमारा प्लेस होल्डर मेक आ रहा है, अगर इसको आप रिमूव करेंगे तो प्लेस होल्डर आएगा। इस तरह से डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा प्लेस होल्डर भी है, वैल्यू भी है, सबसे पहले नाम आता है फिर वैल्यू आती है, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आते हैं। तो हमने लेबल बनाना सीख लिया, हमने फॉर्म क्रिएट करना सीख लिया, हमने मॉडल फॉर्म क्रिएट करना सीख लिया, और उसके बाद हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स कैसे बाइंड करना है वो भी सीख लिया। इसके अलावा हम लोग देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट कंट्रोल है पासवर्ड। पासवर्ड का भी सेम वे है, पासवर्ड अगर आपको अपने फील्ड में जनरेट करना है, कोई भी फील्ड है जिसमें आपको पासवर्ड रिक्वायर्ड है, पासवर्ड जनरेट करना रिक्वायर्ड है, सिंपल आप टेक्स्ट की जगह लिखेंगे पासवर्ड। पासवर्ड की फील्ड जनरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट की जगह पासवर्ड टाइप कर देंगे, पासवर्ड का नाम, फील्ड का जो नाम होता है नेम एंड आईडी वो यहाँ से जनरेट हो सकता है। जो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे पहली की, बेसिकली ये उसका नेम है, एचटीएमएल के अंदर जो नेम टाइप होता है। अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं बाकी यहाँ पे तो ये देख रहे हैं आप, इसको अगर हम इंस्पेक्ट करते हैं तो इसका नेम पासवर्ड लिखा गया, तो जो पहली फील्ड जो है वो उसकी बेसिकली नेम है,
यहाँ पर हम टाइप करते हैं पासवर्ड की फील्ड बन गई। इस तरह से हम पासवर्ड की फील्ड बनाएंगे, इसको बाइंड भी कर सकते हैं, हम कंट्रोलर से वैल्यू भेज के इसके साथ बाइंड कर सकते हैं। तो ये पासवर्ड की फील्ड बन गई। इसके ऊपर अगर क्लास लगानी है तो सेम वे है कि इसकी वैल्यू आएगी तो हम नल दे देते हैं, और उसके बाद इसकी हमने क्लास डिफाइन करेंगे यहाँ पे क्लास फॉर्म फॉर्म कंट्रोल फॉर्म कंट्रोल रिफ्रेश करेंगे तो एरर आ गया ऑफसेट नेम स्ट्रिंग नाउ, इसको हम नल दे देते हैं और ये स्ट्रिंग खत्म कर देते हैं। यहाँ पे इसकी नल आ गया, पासवर्ड आ गया, क्लास फॉर्म कंट्रोल ओके। अब इसको हम रन करते हैं तो ये हमारा पासवर्ड की फील्ड बन गई, इसके ऊपर क्लास भी इंप्लीमेंट हो गई, क्लास लग गई है इसके ऊपर। क्या इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास कौन सा कंट्रोल है। नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स सी। तो ये हमारे पास था इको, हम यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, दैट इज इक्वल टू द इको। हम लोग क्योंकि लेडिंग इंजन यूज कर रहे हैं तो उसमें इको जो है वो समराइज कर दिएगा डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर। से आप इसको एट्रीब्यूट पास कर सकते हैं, क्लास में ये भी एक पे है और डिफरेंट पे में भी हमने कर लिया, वो ज्यादा आसान है जो हमने यूज किया। इसी तरह फाइल अपलोडिंग के लिए भी फाइल का एट्रीब्यूट यूज होता है, फाइल का एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं, फॉर्म का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। इसी तरह से हम एक और फील्ड जनरेट करेंगे और उसका नाम रख देंगे फाइल, इसका नाम रख देते हैं कि हम लोग इमेज रख देते हैं। इसको मैं रिमूव करता हूँ, मैं इस पर भी कोई भी स्टाइलिंग नहीं लगा रहा, जस्ट फाइल। इसमें एक और चीज भी याद रखनी है, सॉरी पार्सल एक्सेल आ गया है, फॉर्म फाइल फाइल मैंने ये मिस कर दिया, स्ट्रिंग सिंगल कोर्स मिस था, तो ये हमारा फाइल बन गई। इसमें से हम कोई भी फाइल अपलोड करवानी हो, कोई फाइल यूजर से इनपुट लेनी हो तो हम यहाँ से ले सकते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी आप यूज़ करेंगे फॉर्म तो आपको अपने फॉर्म के अंदर जो है एक एट्रीब्यूट जो है वो पास करना पड़ेगा, वो आपने पास करना होगा फाइल जो है वो आपका शू। इस तरह से हम लोग फाइल का कंट्रोल बनाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइल अपलोडिंग का कंट्रोल बना लिया, और फाइल के कंट्रोल को स्पेसिफाई करने के लिए हमें फाइल्स ट्रू का एट्रीब्यूट रिएक्शन के साथ देना होगा। चेकबॉक्स किस तरह बनाना है आपने, रेडियो बटन किस तरह बनाना है, अब हम ये डिफाइन करते हैं। सेम वे है, इसी तरह से हम एक चेकबॉक्स जनरेट करेंगे, आपने अपने फॉर्म में जाना है और आपने यही सिंटैक्स यूज करना है चेकबॉक्स के लिए। फॉर्म कंट्रोल यहाँ पे हम लिखेंगे चेकबॉक्स, और यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा, चेकबॉक्स का नाम है जिससे आप चेकबॉक्स दे सकते हैं, जेंडर है तो मेल कर देते हैं, चेकबॉक्स का नाम मेल है, यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है वैल्यू में क्या पास कर रहे हैं और इसको चेक करते हैं। अनडिफाइंड कॉन्स्टेंट अज्यूम फाइल्स पर हमारा एरर आ रहा है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसको हम रिमूव करते हैं, चेक करते हैं। सिंटैक्स एरर है, सिंटैक्स एरर क्यों आ रहा है, ओके अरे यहाँ पे चेकबॉक्स इसको रिमूव करते हैं, चेकबॉक्स हाँ सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टिंग पैरेंथेसिस बंद हो रही थी और हमने क्या किया यहाँ पे, हमने अपना मन किया यहाँ पे देखते हैं, अरे एक मिसिंग है हमारी, ये सिंटैक्स एरर आ रहा था इस वजह से उसमें एरर थ्रो करा था, ये हमारा चेकबॉक्स बन गया। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू के अंदर हमें जो है देखिए नेम इसका वन नजर आ रहा है, वैल्यू वन नजर आ रही है, इसकी वैल्यू भी हम चेंज कर सकते हैं। सेकेंड जो एट्रीब्यूट था वो वैल्यू का एट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं कि जब ये चेकबॉक्स चेक हो तो हमें वैल्यू में क्या रिटर्न हो, मेल चेक कर देता हूँ मैं,
मैं कंट्रोल F5 करता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, तो इसके अंदर जो वैल्यू नजर आएगी वो मेल नजर आएगी। इसी तरह से हम आते हैं, अभी हमने चेकबॉक्स बनाना देखा, अभी हम देखते हैं कि हम लोगों ने रेडियो बटन कैसे बनाना है। रेडियो के लिए हम लोग लिख देंगे रेडियो, जस्ट रेडियो, RADIO, और यहाँ पे हम दे देते हैं फीमेल, ओके, और इसको भी हम कर देते हैं एफ, इसको हमने एफ कर दिया वैल्यू में, इसको हम कंट्रोल F5 करते हैं, तो ये साथ एक रेडियो बटन बन गया। इस तरह से हम इसका रेडियो बटन प्रिंट करेंगे और वैल्यू भी इससे बाइंड कर सकते हैं, इसकी वैल्यू में F आ रहा है। तो ये हमने देखा कि हमने चेकबॉक्स किस तरह डिफाइन करना है और रेडियो बटन हम ब्लेडिंग इंजन को यूज करते हैं, हम किस तरह से रेडियो बटन बनाएंगे और किस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे चेकबॉक्स। इसी तरह से अगर आपने इसको चेक दिखाना है तो इसकी थर्ड, अगर आप ट्रू डिफाइन कर देंगे थर्ड पैरामीटर में तो वो चेकबॉक्स जो है वो चेक आएगा, अगर हम रेडियो यूज बटन यूज करें तो रेडियो बटन में थर्ड पैरामीटर जो है वो ट्रू होगा तो वो चेक्ड हो जाएगा, और अगर वो फॉल्स होगा तो वो अनचेक नजर आएगा। जब यूजर उसको चेक करता है तो ये थर्ड ये ट्रू हो जाता है डिफॉल्ट। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर, अगर हमारे पास नंबर है, नंबर इनपुट लेनी है हमने, तो नंबर इनपुट के लिए भी हम लोग इसी तरह से कंट्रोल जस्ट एक नंबर यूज कर लेंगे और हम नंबर इनपुट लेंगे, चेकबॉक्स की जगह नंबर आ जाएगा, और इसको नाम रख दें कोई भी, इसकी वैल्यू है, वैल्यू क्योंकि इंटीजर है, इंट है, नंबर है, तो उसमें यूजर सिर्फ इंटीजर ही दे सकता है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं दे सकता। इसको हमने सेव नहीं किया, सॉरी एस की वजह से आ रहा था सिंटैक्स एरर। अभी हमारा एक नंबर इनपुट बॉक्स है, इसके अंदर सिर्फ यूजर नंबर इनपुट कर सकता है, देखें इसके अंदर सिर्फ नंबर आ रहा है, उसमें कोई भी हमें अल्फाबेट नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यू ही हम एंटर कर सकते हैं, इस तरह से हम नंबर डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कंट्रोल है वो देखते हैं, हमारे पास है कि अगर हमने फाइल अपलोड, हमने देख ली कि फाइल अपलोड के अंदर आपने अपने फॉर्म के अंदर फाइल स्ट्रू का ऑप्शन करना है तो ही फाइल अपलोड होंगी, बैकएंड पे डिवाइस नहीं होंगी, ये कंट्रोल भी आपने देख लिया। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनानी है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना डिफाइन कर लेते हैं, और आपने ग्रुप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, दोनों हम एक साथ देखते हैं। अगर आपके पास आ जाता है कि आपने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट डिफाइन करनी है, इसी तरह से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और हम लास्ट में एक ड्रॉप डाउन प्रिंट करते हैं, इनको हम डिलीट करते हैं, मैं यहाँ पे आप कर देंगे सेलेक्ट, ठीक है। अब सेलेक्ट के अंदर आपने देनी है अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये आपने उसके अंदर आना क्या है, इसके अंदर आप अरे बना दें, अच्छा आपकी इसमें वैल्यूज आ जाएंगी। पहली वैल्यू है हमारे पास, इसमें भी मैं जेंडर वाली एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेल है, ठीक है, की मेल है और इसकी वैल्यू है जो वो एम हो जाएगी, और इसी तरह से अगर फीमेल है, जेंडर फीमेल, तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी एफ, वो हम एफ यूज कर लेंगे, एफ इसको हम सेव कर लेते हैं और इसको हम चला के देखते हैं, इसको समराइज करने हैं, इसको इस तरह से पढ़ने में आसानी होती है, इसको हम चलाते हैं देखते हैं हमारे पास एक्सेप्शन आ गई। सेलेक्ट की स्पेलिंग नहीं सही है, सेलेक्ट की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, F5 करते हैं, अरे की एग्जिस्ट, ओके, इसको हमने नाम जो है नाम देना है हमने इसको, सबसे पहले तो इसका नाम आएगा हमारे पास है जेंडर, इस ड्रॉप डाउन का जो नाम है वो देना था, ठीक है। तो ये हमारे पास ड्रॉप डाउन का नाम आ गया, अब इसके अंदर वो उसकी वैल्यू शो कर रहा है, इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं देखते हैं क्या हुआ, जेंडर उसका नाम आ गया और इसके अंदर जो हमारे पास चेंज हो गई, हमने ये वैल्यू है, सॉरी ये हमारे पास वैल्यू है, उसकी जो हम यहाँ पे देंगे वो वैल्यू में नजर आएगा, तो ये उसका जो टेक्स्ट नजर आना है वो है, ये उसका टेक्स्ट है, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, क्रॉसअप करते हैं, अब देखें हमारे पास सही हो गया, फीमेल आ रहा है, मेल फीमेल MM हो गया, इस वजह से दोनों सेम वैल्यू हो गई, करना था दोनों आ गए मेल और फीमेल, इसको हम एक्सपेक्ट करेंगे तो हमें नजर आ जाएगा कि उसकी नेम जेंडर बन गया और
एम उसकी वैल्यू बन गई, एफ फीमेल की वैल्यू बन गई। इस तरह से आप ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको आ जाए कि आपने ग्रुप ड्रॉप डाउन बनाना है तो वो आप कैसे बनाएंगे, वो आप इस तरह से बनाएंगे। इसी कॉपी कर लेते हैं। आपने करना ये है कि इधर आ जाते हैं, इसमें हम एग्जांपल इसी के ले लेते हैं कि देखिए अगर हमारे पास एनिमल्स हैं, एनिमल्स ड्रॉप डाउन का नाम हो गया, उसके अंदर कैटेगरीज हैं दो, कैट्स और डॉग्स, तो आपने उनके आगे फर्दर सेग्रीगेशन कर लेनी है। ठीक है, हम अरे ऑफ अरेज बना लेंगे तो हमारे पास ग्रुप बन जाएगा। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पंजाब है, पंजाब एक सूबा है, इसके अंदर मल्टीपल सिटीज़ हैं, तो मैं इसको कर देता हूँ अरे ऑफ अरे, तो इसके अंदर आ जाएगा लाहौर सिटी, पहला जो है वो लाहौर आ जाएगा, की भी इसकी लाहौर, वैल्यू भी इसकी लाहौर। इस तरह से मल्टीपल इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लाहौर के बाद हम ले लेते हैं कसूर, और इसी तरह से इसकी वैल्यू भी इसके अंदर सॉरी ऐड कर लेते हैं कसूर। तो ये लाहौर के अंदर जो हैं वो दो सिटीज हैं, मल्टीपल हम इस तरह से ऐड करते जाएंगे। लाहौर और कसूर पंजाब में आ गए, और अगर हम कराची में आते हैं, सॉरी सिंध में आ जाते हैं, सिंध की तरफ अगर हम जाते हैं, तो इसी तरह से हम अरे ऑफ अरे बना लेंगे, और उसके अंदर भी हम एक सिटी ऐड कर देते हैं, दो सिटीज मल्टीपल सिटीज ऐड करते हैं, वो ग्रुपिंग में ड्रॉप डाउन में हमें नजर आएंगे। यहाँ पे हम कराची कर देते हैं, इसको भी हम कराची कर देते हैं। अगर हम इसको व्यू करते हैं तो जब हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट में ग्रुपिंग शो करानी हो तो फिर हम इस तरह से अरे ऑफ अरे बनाएंगे इसके अंदर। तो हम रिफ्रेश करते हैं तो एरर थ्रो कर दिया इसने, अनएक्सपेक्टेड सिन अनएक्सपेक्टेड वाई, वो कोमा नहीं लगाया हमने इस वजह से, यहाँ पे हमने कोमा लगाना था। दो वैल्यूज आ रही हैं, वापस आते हैं अपने ब्राउजर में आते हैं, ब्राउजर में आने के बाद हम F5 करते हैं तो ये आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब ये देखें ग्रुपिंग बन गई पंजाब की, पंजाब उसका पेरेंट हो गया, उसके नीचे उसके चाइल्ड सिटीज आ गए, सिंध पेरेंट हो गया, उसके नीचे उसके चाइल्ड सिटीज आ गए। तो अगर आपको ग्रुपिंग ड्रॉप डाउन बनाना हो तो आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप इसका ग्रुपिंग कंपोनेंट को यूज करते हुए कैसे ग्रुपिंग ड्रॉप डाउन बनाएंगे उसका ये वे है। इको हमने यूज नहीं किया क्योंकि हम डबल कर्ली ब्रेसेस यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इको यूज नहीं किया। नेक्स्ट हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट देख लिया। ड्रॉप डाउन लिस्ट में अगर आपने रेंज देनी है, सेम वे है, आपने सेलेक्ट रेंज का एट्रीब्यूट ले लेना है, और ये भी आपको करके दिखा देते हैं। सेलेक्ट रेंज, यहाँ पे हमने नंबर बनाया था, इसी को मैं यूज़ कर लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे हम करते हैं सेलेक्ट रेंज, सेलेक्ट रेंज और नंबर, इसमें हम रेंज दे देंगे कि 0 to 20। ठीक है, इस तरह से आप सेलेक्ट रेंज को यूज़ करेंगे। तो इसी वैल्यूज इस रेंज के दरमियान में एक यूजर वैल्यू सेलेक्ट कर सकेगा, जीरो से लेके 20 तक यूजर वैल्यू सेलेक्ट कर सकता है, ये उसको इनपुट कर सकता है। तो ये इस तरह से हम रेंज में टाइम वगैरह शो कराने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं, टाइम इनपुट लेने के लिए, एक्सट्रैक्टर डेट इनपुट लेने के लिए हम ये कंट्रोल यूज कर सकते हैं डिफरेंट। नेक्स्ट हमारे पास है मंथ, इसी तरह से हम मंथ की इनपुट भी ले सकते हैं, सेम वे है। इसके अंदर अगर हम जस्ट इसको चेंज कर दें मंथ में, तो आप मंथ की इनपुट ले सकते हैं, मंथ का कंपोनेंट भी मौजूद है इसमें। हम सेलेक्ट को जस्ट मंथ कर देते हैं और इसका नाम भी मंथ ही रख देते हैं, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास एरर आ गया, अगर मंथ डज नॉट एग्जिस्ट, सॉरी हमने करना था सेलेक्ट मंथ, तो हमने इसमें मंथ लिख दिया, इस वजह से एरर आया। सेलेक्ट मंथ, उसको सेलेक्ट मंथ का पता है, मंथ का उसको नहीं पता, तो ये सारे के सारे मंथ इस तरह से पॉपुलेट करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो कंट्रोल है वो है कस्टम मैक्रो भी बनाए जा सकते हैं, आप अपने कस्टम कंट्रोल्स बनाते हैं, जैसे आप पार्शियल व्यूज बनाते हैं, इस तरह से कस्टम कंट्रोल भी बना सकते हैं। तो हम मैक्रो का कीवर्ड यूज करेंगे, माई उसको कोई नाम दे देंगे, उसके अंदर हम एक या मल्टीपल कंट्रोल्स रिटर्न कर सकते हैं, और उस मैक्रो को कॉल करके
वो कंट्रोल जो है वो पॉपुलेट करवा सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है मल्टी कस्टम मैक्रो भी बना सकते हैं, अपना कस्टम कंट्रोल भी डेवलप कर सकते हैं और उसको कॉल कर सकते हैं मैक्रोज को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास बटन है, हमने बटन कैसे लगाना है हम ये देख लेते हैं, और उसके बाद आज का काम खत्म हो जाएगा। फिर हम लोगों ने बटन लगाना है, बटन कैसे लगाएंगे यहाँ हम आते हैं और इसको हम लोग जस्ट सिंपली लिखेंगे डबल कर्ली ब्रेसेस, और उसी तरह से फॉर्म सबमिट, बटन जो है हमारा सबमिट है बेसिकली सबमिट है, और इसको नाम दे देते हैं कोई भी सबमिट ही नाम दे देते हैं। तो ये इस तरह से हम अपना बटन बनाते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं। ये हमारा बटन आ गया, बटन सबमिट, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन जो सबमिट हो जाएगी, हमने एक्शन उसके अंदर सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ। तो इस तरह से आप डिफरेंट कंट्रोल यूज़ करते हैं, आप टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, पासवर्ड बनाते हैं, जो आपने फाइल इनपुट लेनी है उसके लिए आपने एट्रीब्यूट देना है, और इसको यूज़ करते हुए हम लोग अपने जो कंट्रोलर से हमारा डेटा पास होता है व्यू को, उसकी बाइंडिंग हमारे लिए आसान हो जाती है, और वापस डेटा रिटर्न करना भी कंट्रोलर को अगर हम लोग मॉडल भी यूज़ कर लें तो हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो ये सारे थे हमारे डिफरेंट जो कंपोनेंट्स और फॉर्म्स को हमने कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो आज का